नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ये देख सकते हैं आप इसका मॉडल नंबर। देखिए दोस्तों, ये प्रिंटर देखिए पूरी तरह से डेड प्रिंटर है, इंक बहुत कम है लेवल, और जो इसके हेड को ऊपर जाते हैं देखिए दोस्तों, हेड को बाहर निकालेंगे दोनों को, फिर दबा करके इनको बाहर निकालने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोनों हेड जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं सूख चुके हैं दोस्तों। इन हेड की जगह पर हम देखिए बिल्कुल देखिए हमने HP कंपनी के ओरिजिनल दोनों हेड मंगा रखे हैं। ये देखिए कलर हेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा ब्लैक हेड है दोस्तों। तो दोस्तों हम इन हेड को कैसे चेंज कर इनको निकाल करके इसके अंदर लगा देंगे दोस्तों, हेड रिप्लेसमेंट कैसे करें दोस्तों, नए हेड आप चेंज कर सकते हैं प्रिंटर के, आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रोसेस दिखाया जाएगा, तो फिलहाल हम आपको हेड के लिए ही दिखा रहे हैं दोस्तों, तो कैसे आप प्रिंटर के हेड्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल न्यू हेड है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर से हम क्लिप को निकाल देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस कैप को भी हम निकाल देंगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम कलर हेड को खोल के दिखाएंगे। हमारा कलर हेड है, तो इसको भी हम दोस्तों कैप को निकाल देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने दोनों हेड की दोस्तों कैप्स को निकाल लिया है। अब हम प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, इसको हमने नीचे तरफ दबा दिया, तो दोनों हेड हमारे लग गए दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से आप हेड को इंस्टॉल करके आप लगा सकते हैं प्रिंट के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे का इंक कैसे उठाते हैं और इस प्रिंटर को कैसे चलाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप जो हमारे साथ जुड़े रहें, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।